तो इसके लिए आप थोड़ा सा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझ सकते हो बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है इजी होती है प्रॉपर्टीज अगर ये हमने लेंथ मान ली इस लेंथ को हमने दिया एट एक्स नाम ब्रेथ को हमने नाम दिया थ्री एक्स तो बस क्योंकि एट रेशियो थ्री में है लेंथ और ब्रेथ ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अलावा क्या कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ना वो क्या होता है दूना लंबाई प्लस चौड़ाई टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ हमको ऑलरेडी 220 दे रखा है और इस ये हो जाएगा दूना एट एक्स प्लस थ्री एक्स ठीक है इलेवन एक्स तो एक्स की वैल्यू यहां से हमको कितनी मिल गई टेन अब क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है देन वॉट इज देंटेंगल लेंथ हमें कितनी दे रखी है 8x तो जब x की वैल्यू 10 है तो 8x की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो एट इंटू टेन कितना आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर आ जाएगा तो हमारा आंसर आ गया 80 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है थैंक यू क्लास 6 से 12 तक अगेन नीड आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर